हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी नया घर लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस कहानी की बात करें तो ये कहानी बेंगलुरु में रहने वाले एक कपल की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मीरा है, मैं दिल्ली से हूँ पर पिछले 7 सालों से बेंगलुरु में रह रही हूँ। मैं यहाँ जॉब करती हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। हम हमेशा से साथ नहीं रहते थे। कुछ 5 साल पहले हमने साथ रहने के बारे में सोचा और इसके लिए हमें एक अच्छा घर रेंट पर चाहिए था, जिसे ढूंढने के लिए हमने एक ब्रोकर से बात की। ब्रोकर ने हमें बहुत से घर दिखाए, कुछ घर हमें पसंद भी आए पर वो हमारी बजट के बाहर होते, और जो हमारे बजट में होते थे वो हमारे ऑफिस से बहुत ही दूर थे, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छे से फाइनल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा करते करते तकरीबन 1 महीना हो गया और हमने बहुत से घर देखे। घर देखते देखते भी हम थक गए थे। तो एक दिन अचानक ऑफिस में ब्रोकर का फ़ोन आया। उसने कहा, मैम एक बहुत अच्छा घर मिला है, जितना आपको चाहिए था उससे थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में है और अच्छी जगह पर है। उसने मुझे लोकेशन बताई तो मुझे पता चला कि यह हमारे ऑफिस के पास में ही है। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने अपने पार्टनर से कहा, चलो घर देखने चलते हैं। जब हम वहाँ घर में गए तो वो घर मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतना बड़ा घर और इतनी पास लोकेशन में फिर भी किसी ने रेंट पर नहीं लिया, और घर में घुसते ही मुझे थोड़ी अजीब सी स्मेल लगी। लेकिन कोई बात नहीं, शायद ये घर बहुत टाइम से बंद था इसलिए ऐसा हो रहा होगा। घर देखा तो वो थोड़ा अजीब ही था, मतलब कि रैंडम से वॉलपेपर दीवार पे चिपके हुए थे जो कि दीवार के पेंटों से मैच ही नहीं कर रहे थे। और घर के दरवाज़ों की बात करें तो उसमें बहुत से निशान थे, और किचन में तो कुछ सामान ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ था जिसमें से कुछ बड़े बड़े जंग लगे चाकू थे। बाथरूम में तो दाग धब्बे थे, वो भी बहुत ज़्यादा। शायद ये बहुत टाइम से बंद रहने की वजह से हुए थे। हमने डील पक्की की और 10 दिन बाद उस घर में शिफ्ट हो गए। जैसे जैसे इस घर में रहने लगे ये घर थोड़ा अजीब ही लगता रहा, पर ये जो स्मेल थी ये जा ही नहीं रही थी, जैसे कोई चूहा मर गया हो या पानी के होने से सीलन हुई हो। तो हमने घर को थोड़ा ठीक करने के बारे में सोचा। घर के दरवाजे और बाथरूम का काम मेरे पार्टनर ने संभाल लिया और किचन और वॉलपेपर का मैंने। मैं ऑफिस से आने के बाद हर रोज़ थोड़ी देर वॉलपेपरों को निकालती। वॉलपेपर निकालते निकालते मैं बहुत बोर हो जाती थी, तो मैंने एक अच्छा सा खेल सोचा। मैंने सोचा क्यों ना देखूं कि मैं अगला वॉलपेपर कितना लंबा निकाल सकती हूँ, वो भी बिना टूटे। ऐसे करते करते हर वॉलपेपर का टुकड़ा पहले वॉलपेपर से थोड़ा बड़ा होता गया और मैं इस काम में अच्छे से करने लगी। और कभी कभी मैं बीच में किचन भी साफ करती, लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे जो स्मेल घर में मुझे लग रही थी वही स्मेल मुझे मेरे हाथों से लगने लगी। मैंने अपने पार्टनर से कहा। मेरे पार्टनर ने कहा, नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं लगती। मैंने कहा, हो सकता है ये सिर्फ मुझे ही लग रहा हो, शायद मैं थक गई होंगी। एक दिन फ्राइडे के दिन मैं शाम को घर आई। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे सैटरडे है और मैं सारे वॉलपेपर निकाल दूँगी और संडे को नए वॉलपेपर चिपकाने का काम शुरू कर दूँगी। मैंने सैटरडे मॉर्निंग में वॉलपेपर निकालना शुरू किया। वॉलपेपर निकालते निकालते मैंने देखा कि एक वॉलपेपर के पीछे कुछ नाम लिखे हुए हैं और उन्हीं के सामने कुछ डेट्स भी लिखी हुई हैं। जब मैंने वो डेट्स और नाम देखे तो मुझे लगा ये इस घर में रहने वाले बच्चों का काम होगा, जो कभी यहाँ रह के खेल खेल में ये सब लिख गए होंगे। फिर मैंने दूसरा वॉलपेपर निकाला, तीसरा वॉलपेपर निकाला और सभी वॉलपेपरों के पीछे कुछ नाम और डेट्स लिखी हुई थी। मैंने अपने पार्टनर से इस बारे में बात करी, उसका भी वही जवाब था कि शायद पिछले किराएदारों के बच्चों ने
ये नाम और डेट्स लिख दिए होंगे। मैंने कहा, तो ये किसके हो सकते हैं? मेरे पार्टनर ने कहा, हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर के हों। मैंने कहा, लेकिन इतने सारे? उसने कहा, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स भी हों। मैंने कहा, हाँ हो सकता है, चलो ठीक है। और हम अपना अपना काम करने लगे। मैं लैपटॉप पे काम करते करते मेरे दिमाग में कुछ नाम आने लगे, तो मैंने गूगल खोला और कुछ एक दो नाम गूगल पे सर्च करने लगी। जो रिज़ल्ट आया उसे देखकर मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि ये नाम कुछ रियल लोगों के थे। मैंने चेक किया तो नीचे कुछ डेट्स लिखी हुई थी। ये डेट्स उन्हीं डेट से मिल रही थी जो डेट दीवारों पे लिखी हुई थी, और ये डेट उनकी बर्थ डेट नहीं थी, ये उनकी मिसिंग डेट थी। यानी उस डेट को ये लोग अपनी जगह से खो गए थे और अभी तक नहीं मिले थे। तभी मैं फटाफट गई और पेन और एक पेपर लेकर जितने भी नाम और डेट्स दीवार पे लिखे हुए थे उन्हें सबको नोट करके एक लिस्ट बना लाई। मैंने फटाफट गूगल पर सर्च करना शुरू किया और लगभग सभी लोग वही लोग थे जो मिसिंग थे, और उनकी मिसिंग डेट्स सेम वही थी जो मैंने दीवार से नोट की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं थोड़ा डर भी गई थी। मैंने अपने पार्टनर से बात करी और हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस वहाँ आई, वह अंदर घुसी, उन्होंने इधर उधर चेक किया और पूछा, मैम आपने कहाँ देखा डेट्स और नाम को? मैंने दीवार की तरफ इशारा किया। उन्होंने वॉलपेपर्स को कुछ चेक किया और देखा, फिर उन्होंने फॉरेंसिक टीम बुलाई। फॉरेंसिक टीम आई, उन्होंने अंदर जाकर पता नहीं क्या क्या देखा और मुझसे पूछा, मैम जो वॉलपेपर आपने निकाले हैं वो कहाँ हैं? मैंने उन्हें वो जगह दिखा दी। उन्होंने कहा, मैम ये वॉलपेपर नहीं है, ये ह्यूमन स्किन है। जैसे ही मैंने ये सुना मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने कहा, क्या ह्यूमन स्किन? उन्होंने कहा, हाँ। और ये जो बाथरूम में दाग धब्बे हैं ये पानी से या किसी गंदगी से नहीं हुए हैं, ये ब्लड के स्टेन हैं जो टाइम के चलते चलते धीरे धीरे काले पड़ गए हैं। ये सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। और दरवाज़ों पे जो निशान थे वो नाखूनों के खरोचने के निशान थे, जैसे किसी इंसान ने बचने के लिए या दर्द में उन दीवारों से और न दरवाज़ों को खरोचा होगा। और किचन में जो पुराने चाकू थे वो भी शायद उसी में यूज़ हुए होंगे। तभी एक पुलिस वाले मेरे पास आए, उन्होंने जो मुझसे कहा उसके बाद तो मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि जब ये स्किन निकाली जा रही थी तब ये लोग जिंदा थे। ये सुनते ही हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। हमने उसी टाइम वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। पुलिस वालों ने सारा घर सील कर लिया था। हम एक होटल में जाकर रुके और कुछ दिनों बाद हमने अपना वहाँ से सारा सामान निकलवा लिया। और उसके बाद जब भी हम कोई घर रेंट पर लेते तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते और फिर उस रेंट पर ले लिया।